हम आज सॉल्व करेंगे क्या क्या फॉर्मूला था इसमें इन चैप्टर में. सबसे पहले तो वर्क इसमें आइसोथर्मल में और दूसरा एडियाबेटिक. एक फॉर्मूला इसमें आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में क्या फॉर्मूला है 2.3026 आर टी लॉग बी टू बाय बी वन. ये फॉर्मूला एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या न्यू आर गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू. दूसरा जो है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू. फिर एटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन और एटा इज इक्वल टू वन माइनस क्यू टू अपॉन टी वन. ये सारे जो फार्मूला है इस फार्मूला पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दोनों में ही डिफरेंस है पी वी कॉन्स्टेंट है पी और वी कॉन्स्टेंट है और पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और गामा इज इक्वल टू क्या है सी पी अपॉन सी. इस पर बेस्ड जो है आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व. गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य सिर्फ निर्भर करता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस डिपेंड अपॉन ओनली दाब परिवर्तन पर चेंज इन प्रेशर आयतन परिवर्तन पर चेंज इन वॉल्यूम ताप परिवर्तन पर वन टेम्परेचर चेंज. ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई भी नहीं. मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में केवल किस पर डिपेंड करता है जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है वो आपको बताना है. चार है चेंज इन वॉल्यूम पर है ना चेंज इन प्रेशर पर चेंज इन टेम्परेचर पर और नन ऑफ द अबव चेंज इन टेम्परेचर. क्योंकि फार्मूला है हमारे पास. फार्मूला क्या है एडियाबेटिक वर्क में क्या है फार्मूला म्यू आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू. यानी ये डिपेंड करता है फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर इस पर डिपेंड करता है. मतलब हीट तो ना तो बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है. तो एडियाबेटिक जब भी चेंज होता है तो एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है केवल वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर. मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है मतलब उस टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करता है क्या वर्क डन कौन सा प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन रुद्धोष्म प्रसार में इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन डेल यू इज इक्वल टू जीरो डेल U नेगेटिव ऋणात्मक डेल U पॉजिटिव और डेल W इज इक्वल टू इंफिनिटी. एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगी रुद्धोष्म प्रसार में इसमें से कौन सा सही है. रुद्धोष्म प्रसार बोलने से एडियाबेटिक
क्या है जी, कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, डेल यू इक्वल टू जीरो दिया है, डेल यू इक्वल टू पॉजिटिव, डेल यू इक्वल टू नेगेटिव है। तो यहां पर दो चीज है, प्रसार हो रहा है मतलब क्या पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क क्या है पॉजिटिव। तो यहां पर अपने पास फार्मूला है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, ठीक है, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल। यहां पर अमाउंट ऑफ हीट क्या रहता है, कंजर्व रहता है, हीट ना तो बाहर जाएगा ना तो अंदर आएगा, मतलब डेल चेंज इन क्यू क्या हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू प्लस डेल। अब बात यह आती है कि आपको किसको चेंज करना है, यू को ट्रांसफर करना है कि इसको ट्रांसफर करना है, दोनों चेंज हो सकता है, ट्रांसफर तो किसी एक को कर सकते हो। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल माइनस डेल। तो यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम है, प्रसार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, मतलब यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, ऑप्शन बी गलत है। अगर इसी के जगह पर, अगर प्रसार के जगह पर संपीड़न दिया रहता तब क्या होता पॉजिटिव, क्योंकि तब हम किसको ट्रांसफर करते डेल डब्ल्यू को ट्रांसफर करते उधर, तो डेल डब्ल्यू क्या हो जाता माइनस, और जब डेल डब्ल्यू माइनस होगा तब डेल क्या हो जाएगा प्लस, दो सिचुएशन है ना यहाँ पर, डेल डब्ल्यू प्लस है तब जाके डेल यू माइनस है, और डेल डब्ल्यू अगर माइनस होगा तब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये कब कब पॉसिबल है, जब कंप्रेशन, तो कंप्रेशन होने से क्या होता है, एक्चुअली मॉलिक्यूल पास पास आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, सिंपल बात है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्यों, एक मॉलिक्यूल पास पास आ जाएगी, और जब दूर दूर चले एक्सपेंड हो जाएगी, जैसे इतने लोग अगर यही बड़े हॉल में चले जाओ मान तो क्या होगा, दूर दूर हो जाओ, और ये इतने ही लोग अगर इससे भी छोटे रूम में बैठ जाओ तो क्या गर्मी लगेगी, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी आप ऑक्सीजन लोगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रूम टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, उसी ठीक उसी प्रकार आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार टायर में दाब वायुमंडलीय दाब के चार गुना है, द प्रेशर इनसाइड इट टायर ट्यूब ऑफ ए कार ट्यूब इन ए कार इज 4 टाइम्स ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर तथा ताप 300 केल्विन है एंड इट टेम्परेचर इज 300 केल्विन। यदि टायर अचानक फट जाता है, यदि टायर अचानक फट जाता है, इफ टायर बस सडनली, तो नया ताप क्या होगा, तो नया ताप क्या होगा, then what will be the new temperature, options are चार ऑप्शन है 300 एंड 1/4 पावर 0.4 अपॉन 1.4
4 माइनस 0.4 अपॉन 1.4 टू 0.4 अपॉन 1.4 ये पावर में है ना, माइनस 0.4 अपॉन 1.4 और ये 300 1 बाई 2 माइनस 0.4 अपॉन For an ideal gas, for an ideal gas, options are P to the power gamma is equal to cos k, P 1 minus gamma P to the power gamma is equal to cos k, P e to the power gamma minus 3 is equal to cos k, e to the power gamma is equal to cos k. दो क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का संबंध जो अभी अभी पहले इसके पहले क्वेश्चन दिया था उससे रिलेटेड है, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन दिया. अगर आपको आपका आंसर बी आया है तो क्या फार्मूला है, तो एडियाबेटिक चेंज में अभी अभी लिखा था क्या पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये एक को याद रखना है, पूरे को याद नहीं रखना है, पूरे को याद रख सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली यहां सॉल्व हो जाएगा. कैसे, p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू cos k, तो हम जानते हैं क्या p v इज इक्वल टू n r t, अगर 1 मोल है तो n का वैल्यू 1, तो यहां पर किसके किसके बीच में रिलेशन निकाल रहा है, p और t के बीच में, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगी n r t अपॉन p v. एनआर को छोड़ दो, एनआर कॉन्स्टेंट है छोड़ दो, तो पी वी की जगह क्या रखोगे एन आर टी अपॉन पी इसके पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा. तो यहां पर पी के पावर कितना है 1 है, यहां पर एन के पावर गामा हो जाएगा, आर के पावर गामा हो जाएगा, टी के पावर गामा हो जाएगा और पी के पावर पावर क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. ये कौन सा वे में दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसी फार्मूला पर बेस्ड है इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसमें भी क्या चेंज हो रहा है प्रेशर और टेम्परेचर, दो ही चेंज हो रहा है ना, प्रेशर और टेम्परेचर. तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है,
पी वन माइनस गामा है ना, पी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू मतलब उसी फार्मूले को अगर यूज कर लिए, ये फार्मूला अगर डिराइव कर लिए तो इसी फार्मूले पर बेस्ड है इसका पहला वाला क्वेश्चन। कैसे कैसे होगी बताइए, इससे नया फार्मूला क्या जनरेट होगी? देखिए ये कांस्टेंट है, यानी टी टू अपॉन टी वन, टी टू अपॉन टी वन मतलब टी टू दी पावर गामा, टी टू दी पावर गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू दी सॉरी वन बाय पी टू दी पावर वन माइनस गामा, ये है ना। देखिए ये ट्रांसफर हो गया, इसका नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी टू अपॉन टी वन इसके पावर क्या हो जाएगी गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी पी वन अपॉन पी टू, उल्टा हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू दी पावर वन माइनस गामा, वन माइनस गामा। और ये जब गामा उधर जाएगा तो क्या उसके पावर वन नहीं गामा हो जाएगा, स्क्वायर अगर स्क्वायर इधर से ट्रांसफर होता है तो उधर जाके स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर वन बाय टू, यदि ये उधर जाता है उसकी पावर कितना हो जाएगा वन बाय गामा। तो यहाँ पर पी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वन बाय पी टू और क्या हो जाएगा वन बाय माइनस गामा अपॉन T2 का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, T1 का वैल्यू कितना है 300 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू कितना है T1 कितना दिया है मान लो P है ना, P1 P है और P2 कितना है 4T पावर 1 माइनस 1.4 अपॉन क्या है 4 की अपॉन टी हो जाएगा 4 की अपॉन टी और अपॉन गामा कितना है 1 बाय 4.5 सर की अपॉन टी की अपॉन 4 की हो जाएगा सर क्यों, तो ये टेस्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तो तुम्हारा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 4 टाइम्स तो पी1 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है और पी2 जो है प्रेशर है। हां ये बताओ इनिशियली कौन है एटमॉस्फेरिक टायर का प्रेशर, प्रेशर फोर टू और बाद में क्या है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट फर्स्ट बस्ट हुआ तो क्या हो गया तो फिर से हां पर टी2 भी 300 होगा और वहां 300 का टी1 होगा सिंपल और कंटिन्यू। यहां पर जो टेंपरेचर है क्या हो रहा है, जो टेंपरेचर है और प्रेशर इसको समझो, गैस या जो वायु है वो कहां पर था टायर है अंदर, तो इनिशियल क्या था फटा था इनिशियली कि अंदर पहले था, अंदर पहले था तो इनिशियल को क्या बोलते हैं पी1, अब जब बाद में आता है तो पी2 300 जब उसको भरे थे उसके अंदर टेम्परेचर क्या है 300 अंदर में 300 ये अंदर में पहले 300 था और प्रेशर कितना था 4 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर उसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता तो फटता ही नहीं, पहली बार फटता क्या भाई, वो टायर क्यों फटा उसके अंदर प्रेशर ज्यादा था और बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे हमारे यहाँ पर सी लेवल में क्या 76 सेंटीमीटर का पानी लिया था या 180 में होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलते हैं, तो उतना प्रेशर है उसको फोर पहले कितना था टेंस था फोर टेंस था फोर, तो ये फोर हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसफर करोगे तो पी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 300 मल्टीप्लाई हो गया और फोर इसके पावर माइनस 0.4 अपॉन 1.4 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब एक क्वेश्चन और कल और क्लियर हो जाए। एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुद्धोष्म संपीड़ित किया जाता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुद्धोष्म संपीड़ित किया जाता है। ए गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। So that its volume becomes 8/27 of initial volume. If gamma is equal to 5/3, then increase in temperature will be कि हिंदी मीडियम में एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुद्धोष्म संपीड़ित किया जाता है कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना हो जाता है, 8/27 गुना हो जाता है। यदि गामा बराबर 5/3 हो तो ताप में वृद्धि होगी। चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 375 डिग्री सेंटीग्रेड 375 केल्विन, ए एंड बी बोथ और नॉन ऑफ द एबोव, इसमें से कोई भी। फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कौन सा फॉर्मूला पकड़ना है, P V to the power gamma is equal to constant, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी से ही बाकी, नहीं तो फिर आप पावर जो है भूल जाओगे कि पावर 1 होगा 1 माइनस आर होगा गामा होगा क्या होगा ये आप भूल जाओगे। तो यहाँ पर पी वी टू दी पावर गामा और पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी पढ़े हो, ठीक है PV = nRT। इसके किसके बीच में रिलेशन है, इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है, तो किसको एलिमिनेट करना चाहिए प्रेशर को, तो प्रेशर को एलिमिनेट करोगे तो P = क्या हो जाएगा nRT/V। इस वैल्यू के यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा nRT/T/V कर लो, बाकी तो कॉन्स्टेंट है P/V into
गामा v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा t v टू दी पावर गामा माइनस 1, t v टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी फार्मूले पर आपको सॉल्व करना है, मतलब t is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by v to the power gamma minus 1, इस फॉर्मूले पर आपको सॉल्व करना है। फार्मूला भूल जाते कोई बात नहीं, आपको फार्मूला एक फार्मूला याद रखना है, एडियाबेटिक में केवल एक फार्मूला याद रखना है, अपने आप बाकी फार्मूला आते जाएगा। क्या p v to the power gamma is equal to constant, हमने यहाँ पर चूंकि रिलेशन किसके किसके बीच में है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो प्रेशर को हटा देंगे, प्रेशर के वैल्यू टी अपॉन वी के फॉर्म में लिख लेंगे, तो टी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए ट्रांसफर होकर इधर आ गया, यानी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टू दी पावर गामा माइनस 1। इससे नया फॉर्मूला क्या जनरेट होगी, वी टू अपॉन वी 1 इज इक्वल टू वी 1 अपॉन वी टू दी पावर गामा माइनस 1, ये फार्मूला हो जाएगा और इस फार्मूले से आपको सॉल्व करना। क्या क्या दिया है, टी वन दिया है, टी वन कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कैपिटल टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 273 ऐड करोगे, मतलब 300 केल्विन में कन्वर्ट होता है, और इसी से आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, V2 और क्या दिया है, V2 इज इक्वल टू कितना दिया है, कितना बाय कितना था 8/27 था, है ना, इसके ऑफ V1 यही दिया ना, V2 का वैल्यू, तो वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, कितना तो T2 अपॉन 300 यस, हाँ ठीक है करो, क्योंकि मैथ्स है तो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, चलो फटाफट करिए, तो वैल्यू कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जल्दी करना है, एक और दे देता हूँ ऑप्शन 675 क्वेश्चन क्या है, ये इंक्रीज है फाइनल वैल्यू, आधा सॉल्व करके आपके आंसर आ जा रहा है, सब भी रहोगे, इसीलिए कभी भी आंसर आने के बाद आपको हड़बड़ाना नहीं है, आधे पर पहुंच गए तो बाकी ऑप्शन पर भी आपको विचार करना है, तो इसको जब सॉल्व किए होंगे तो यह आया होगा आपका V1 कितना था, V1 अपॉन V2 कितना था 8/27 ऑफ V1,
पावर कितना है 5 बाय 3 माइनस 1 v1 कैंसिल हो गया, यानी p2 अपॉन 300 इज इक्वल टू 27 ऊपर चला गया 27 अपॉन 8 इसके पावर कितना आ गया 2 बाय 3। तो 2 बाय 3 को क्या लिख सकते हो 1 बाय 3 इंटू 2 लिख सकते हो 3 बाय 2 बाय 3 5 माइनस 3 अपॉन 3 2 बाय 3 इसको सेपरेट करके लिख सकते हो 1 बाय 3 और इंटू। तो यहां पर क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू इसको 27 बाय 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3 बाय 2। यार ऐसे भी कर सकते हो 3 अपॉन 2 के पावर कितना हो जाएगा ये 3 और उसके पावर कितना है 3 बाय 3 कट गया अपॉन T1। तो कितना हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 300 इंटू इसका स्क्वायर हो जा रहा है मतलब 9 बाय 4 काटोगे कितना बार 75। तो T2 इज इक्वल टू 675 एम। और ये आंसर जब आपको दिखता है देखो ऑप्शन भी वही देता है जो प्रोबेबल है जहां तक जाकर के बच्चा गलत करता है। तो आपके आंसर आ गया सॉल्व कीजिए वो फार्मूला लेके सॉल्व कीजिए यहाँ तक आ गया तो आप जो है आपका आंसर दिख रहा है फटाफट आप इसके आंसर लगा दिए और बोल रहे 100% सही लेकिन आप गलत क्यों क्योंकि फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा है। फाइनल टेम्परेचर पूछा क्या उसका टेम्परेचर कितना होगा ये नहीं पूछा क्या बोला कि टेम्परेचर में कितना राइज होगा कितना इंक्रीज होगा। तो डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 तो कितना हो जाएगा डेल टी इज इक्वल टू 675 माइनस 300 कितना हुआ 375। कौन सा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन और बी ऑप्शन में टिक कर दिए तब भी गलत हुआ तब भी गलत होगा क्यों गलत हुआ क्योंकि देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है 273 + 1 इज इक्वल टू 274 केल्विन होता है। मतलब जितना भी टेम्परेचर होता है उसके बाद हम कितना ऐड कर देते हैं 273 ठीक है। अगर यही टेम्परेचर 1 के जगह 5 हो जाए 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या करोगे 5 + 273 कितना हो जाएगा 278। अब देखो सेंटीग्रेड में तुमने कितना बढ़ा है सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना बढ़ा 1 से 5 हुआ 1 से 5 माने 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है 1 से 5 हुआ मतलब तो केल्विन में कितना बढ़ा केल्विन में कितना बढ़ा 4 केल्विन। तो राइज यहां पर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इज इक्वल टू 4 केल्विन राइज होगा। मतलब अगर सेंटीग्रेड में 4 डिग्री बढ़ता है तो केल्विन में भी 4 डिग्री बढ़ता है। टेम्परेचर दोनों बराबर नहीं है लेकिन यहां पर क्या हुआ है राइज टेम्परेचर राइज तो क्या हो जाएगा यहां पर क्योंकि डेल टी देखो अगर हम इसको डेल टू कर लिए इसमें क्या करते 273 ऐड कर देते तो किसमें कन्वर्ट हो जाता 273 माइनस कर देते तो क्या होगा किसमें कन्वर्ट हो जाता सेंटीग्रेड में इसमें भी 273 माइनस कर देते सेंटीग्रेड तो इसके इनिशियल देखो इसके इनिशियल क्या था 27 था और यहां पर T2 कितना था T2 यहां पर T2 इसमें 675 माइनस 273 इसमें माइनस था
400 यहाँ पर कितना है? 375। चाहे तुम सेंटीग्रेड में राइज लो या फ़ारेनहाइट में राइज लो, है ना, सॉरी केल्विन में, क्योंकि उसमें 1.8 होता है, फ़ारेनहाइट में 1.8। देखो सेंटीग्रेड में राइज इन टेम्परेचर और केल्विन में राइज इन टेम्परेचर बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में 1.8 है। अगर फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़वाओगे तो फ़ारेनहाइट में 1.8 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, लेकिन सेंटीग्रेड और केल्विन में राइज होता है। मतलब आपका आंसर पहले आ गया ये, तो आप इसको ये मत लगाइए, पूरा बाकी जो ऑप्शन है उस पर भी विचार कीजिए। जब आपके पास ये भी आया क्योंकि राइज इन टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर इतना केल्विन भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एमटी। क्यों ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि राइज इन केल्विन स्केल टेम्परेचर इज इक्वल टू राइज इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, जितना राइज इसमें होगा उतना राइज इसमें होगा सेल्सियस में, तो हमारा केल्विन वाला आ गया, इसमें हम सेंटीग्रेड वाला भी देखते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्नो इंजन से करो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नो इंजन से करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदर्श कार्नो इंजन 77 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऊष्मा को वातावरण में छोड़ता है, इसकी दक्षता 30% है, इट्स एफिशिएंसी, एक कार्नो इंजन, आइडियल कार्नो इंजन गिव्स हीट टू एटमॉस्फेयर, गिव्स हीट टू एटमॉस्फेयर एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी दक्षता 30% है, इट्स एफिशिएंसी इज 30%, इसे किस ताप पर ऊष्मा लेनी चाहिए एट व्हाट टेम्परेचर इट टेक्स हीट। ऑप्शन आर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 227 केल्विन, 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 केल्विन।
बना फार्मूला आपके पास है, कौन सा फार्मूला है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। तो देखो इस फॉर्म में दिया है, टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है, ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है देखिए। क्या दिया है गिवन, क्या दिया है ईटा दिया है, ईटा परसेंट कितना है 30%, ठीक है, और क्या दिया है पी टू दिया है कितना 77 डिग्री है, सेंटीग्रेड है ना, और अपने को टी वन निकालना। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करने के लिए बोला था मैं, सेंटीग्रेड को किसमें बदलना है, सबसे पहले केल्विन, केल्विन के लिए क्या करोगे 77 प्लस 273 मतलब 350, ठीक है, इतना केल्विन करना। अब फार्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू बाई टी वन, इसको इधर ट्रांसफर करो तो टी टू अपॉन टी वन इधर आए प्लस हो गए इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा, इजी हो गया फॉर्मूला। अब टी टू अपॉन टी वन कितना, टी टू कितना है, टी टू कितना है 350 अपॉन टी वन इज इक्वल टू 1 माइनस 30/100, 0 0 कैंसिल हो गए, कितना हुआ 10 माइनस 3 अपॉन 10 ये है ना, कितना हो जाएगा 7/10, ट्रांसफर करो तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 350 इंटू 10/7 500 केल्विन हो गए। अब जब 500 केल्विन इसमें दिया है, क्या केल्विन में, केल्विन में आंसर दिया है कितना दिया है 227, तो केल्विन में ये आंसर है नहीं, और केल्विन में क्या 600 केल्विन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सेंटीग्रेड देख लेते हैं, सेंटीग्रेड में क्या करेंगे 500, इसलिए टी टू इज इक्वल टू 500 माइनस 273 और 273 करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दिया है उसमें आपको आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्नो इंजन की दक्षता दक्षता 30% है, एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन, एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन इज 30% व्हेन इट वर्क्स बिटवीन, व्हेन इट वर्क्स बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कार्नो इंजन की दक्षता 30% है जब यह 227 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है,
ठीक है इसकी दक्षता 100% करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध होगी इट्स एफिशिएंसी बिकम्स 100% व्हेन T2 is equal to 273 Kelvin, T2 is equal to 0 Kelvin, T2 is equal to minus 273 Kelvin, T2 is equal to 5 यहाँ पर जो एक्शन सर ये उदय वाला फॉर्म ले रहे हैं थोड़ी देर बाद जी 10 मिनट तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो पढ़ने आए ठीक है और कुछ लोग पढ़ने आए इस कैंपस में आने वाले बहुत लोग है ना तो मुझे किससे मतलब है आप लोगों से मतलब है कि जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरा मतलब है दोनों से मतलब लाइब्रेरी में जो लोग आ रहे हैं उनको भी मैं गिनते रहा हूँ कौन आया इन्हों का क्या तो हमारा काम का चीज क्या है वो देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी वही है मतलब की चीज क्या है वही देखना है बाकी कौन आया कौन गया और क्या क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं यहाँ क्वेश्चन को क्या किया कंफ्यूज किया 100% एफिशिएंसी कब होगा T2 इज इक्वल टू 0 ठीक है इटा इज इक्वल टू 100% कब होगी इटा इज इक्वल टू Q upon W upon Q1 ये 100% क्या फार्मूला क्या है 1 माइनस T2 अपॉन T1 अगर T2 जीरो होगा T2 जीरो होगा तो ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1 का मतलब क्या हुआ 100% तो बाकी चीज जो बोला गया उसका एफिशिएंसी इतना था वो तो मैं पिछला क्वेश्चन टू था जो कि इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं क्या बोलते केवल क्या है क्या देखना है कि एफिशिएंसी 100% होने के लिए सराउंडिंग का टेंपरेचर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 300 केल्विन तथा 600 केल्विन के बीच कार्यरत एक इंजन का निर्गत कार्य
600 जूल है, 1000 जूल है, 1000 इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 600 केल्विन, इट्स आउटपुट वर्क 1000 जूल पर साइकिल। एक कार्नो इंजन जो है 300 तथा 600 के बीच कार्य करता है और निर्गत कार्य जो है कितना है 800 जूल प्रति चक्र है। स्रोत से प्रति चक्र स्रोत से 1000 जूल स्रोत से प्रति चक्र इंजन को दी गई ऊष्मा की मात्रा होगी द हीट गिवन टू इंजन फ्रॉम सोर्स पर साइकिल विल बी। स्रोत से प्रति चक्र इंजन को दी गई ऊष्मा की मात्रा होगी ऑप्शन सर सिक्सटीन हंड्रेड जूल पर साइकिल, बी 1800 जूल पर साइकिल, सी 2000 जूल पर साइकिल, ऑप्शन डी 500 जूल पर साइकिल। अपने पास जो फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है 1 माइनस A2 अपॉन T1 एक फार्मूला है और ईटा इज इक्वल टू दूसरा फार्मूला क्या है W अपॉन Q1 क्योंकि T1 T2 दिया है W और Q1 मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिए इक्वेशन 2 है इक्वेशन 1 है तो क्या हो जाएगी W अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 ठीक है। इसमें सॉल्व करो W कितना है 1000 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस कितने और कितने के बीच में कितना 300 अपॉन 600 ये है ना 300 और 600 केल्विन के बीच में कार्य करता है तो 300 और 600 के केल्विन के बीच में अगर कार्य करता है चलो बैठो
दो मिनट और दस मिनट। तो यहाँ पर बिटवीन और देखो ये बताओ सिम का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है? ठीक है कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सिंक और टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो सोर्स का जो टेम्परेचर वो ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है याद रखना कुछ भी नहीं करना, टी वन टी टू बाद की बात है, टी वन पहला आता है और वो सोर्स होता है, और सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कट गया वन टू मतलब कितना हुआ वन बाई टू आ जाएगा, तो टी वन इज इक्वल क्या हो जाएगा 1000 इंटू 2000 पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगी मतलब 2002 पर। ठीक है, अपने केवल और केवल कॉन्सेप्ट पर देना ध्यान देना, यहाँ पर सोर्स से हीट लेता है वर्क यहाँ पर करता है और जो बचत का हीट है वो कहाँ पर देता है ठीक है, इसका टेम्परेचर टी वन होता है, इसका टेम्परेचर टी टू होता है, इससे हीट क्यू वन लेते हैं, इससे हीट क्यू टू को हम देते हैं, इससे देते हैं और यहाँ से हम लेते हैं, और जो वर्क होता है वो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू, मतलब कितना हमने हीट लिया है और सराउंडिंग को कितना हीट दिया है, दस जूल फीट हम कहा से लिए सोर्स से लिए और उसका एट का वन किए तो दो किसको लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, सोर्स का ताप इतना है, सिंक का ताप इतना है, एफिशिएंसी इतना है, सोर्स का ताप इतना है और सिंक का कितना, सिंक का दिया रहेगा या सोर्स का दिया रहेगा, तीन चीज होता है सोर्स सिंक और वर्क है, तीन सोर्स का टेम्परेचर, सोर्स का सोर्स से कितना हीट लिए कितना टेम्परेचर है, सिंक को कितना हीट दिए उसका टेम्परेचर कितना है और वर्क कितना, ये तीन चीज पर भी बेस्ड है, तीन चार एक कार्नो इंजन स्रोत का ताप एक हजार केल्विन तथा दक्षता 70% है ना, एक आर्नो इंजन हैविंग एफिशिएंसी 70% एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 1000 केल्विन सिंक का ताप क्या होगा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ सिंक, ऑप्शन है 300 केल्विन 400 केल्विन 500 केल्विन एंड 700 अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक आध क्वेश्चन करते हैं, यदि एक निकाय को दी गई ऊष्मा पैंतीस जूल है, इफ
हीट इज गिवन टू ए सिस्टम इज 35 जूल तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य 15 जूल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 15 जूल तो निकाय में होने वाले आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी ऑप्शंस आर माइनस 20 जूल 20 जूल 70 जूल 50 जूल 20 जूल कौन सा फॉर्मूला यूज किए डेल यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू ठीक है तो हमने पर यहाँ पर 50 है 35 है 35 और उधर क्या 50 है इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू तो यहाँ पर डेल क्यू कितना है 50 इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू कितना है 15 प्लस डेल यू डेल यू कर रहे हैं क्या हो जाएगा 50 माइनस 15 35 वैल्यू जैसे वैसे थर्टी फाइव टोटल हिट ली है और उसमें से किसने खर्च हो गया वर्क में 15 खर्च हो गए तो बचा कितना एग्जाम्पल था 100 रुपया मिला और उसमें से हमने 90 रुपए का 90 रुपए खर्च कर दिए एनर्जी जो हमारा बच गया वो क्या हो जाता है इंटरनल एनर्जी तो सेम वे यहाँ पर है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो लास्ट क्वेश्चन है यदि R बराबर यदि R सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और सार्वत्रिक गैस नियतांक है यदि F कैपिटल R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तब किसी एक परमाणविक आदर्श गैस के दो मोल का तापक्रम से 373 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन राइजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 273 केल्विन टू 373 केल्विन और 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस और मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको निकालना है क्या वैल्यू निकालना है चलो तीन ऑप्शन दे देता हूँ 200
20 R, 200 R, 300 R, 500। चलो ये होमवर्क है, आप लोग इसको करके देखो, बन जाता है ठीक है, नहीं तो क्या, ठीक है, ये होमवर्क है। एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता के कोटि, जब मोशन होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एफ का वैल्यू अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होता है, उसी पर ही बेस्ड है।